नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, यानी कि किस तरह से हम अपने बालों के झड़ने को रोक कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल्स। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 150 मिलियन लोग बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि हर 10 में से 9 व्यक्ति को बाल झड़ने की जेनेटिक समस्या जो है वो कम से कम उनकी लाइफ में एक बार तो होती ही है। हेयर लॉस क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसे नेचुरोपैथी के माध्यम से ध्यान रखकर, खानपान पर ध्यान रखकर किस तरह ठीक किया जा सकता है, इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए मैम का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूँगी। नमस्कार जी। मैम हम बात कर रहे हैं हेयर लॉस के बारे में। लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्यों, किस कारण की वजह से होने। सबसे पहले मैं तो जानना चाहूँगी कि किस कारण की वजह से बालों का झड़ना जो है वो होता है। देखिए, बाल झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन किस स्टेज को हम बाल झड़ना कहते हैं इसको समझना ज़रूरी है। हम बालों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर एक व्यक्ति के सिर पर लगभग 1 लाख 1.25 लाख के लगभग बाल होते हैं। एक बाल की जो उम्र होती है, यानी कि जो एक बाल आपके सिर पर है वो आपके पूरा जीवन भर नहीं रहता, इसका एक लाइफ स्पैन होता है लगभग 2 से 6 साल। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बाल आपके सिर पे है, हर एक व्यक्ति के अनुसार किसी का बाल 3 साल में जाएगा, किसी का 6 साल में जाएगा, किसी का 5 साल में जाएगा, लेकिन हर एक बाल ने इतने समय के बाद अपनी जगह छोड़नी है। और आपके जितने जन्म से आपके सिर पे फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल माने जो जड़ जिसमें से बाल निकलना है, वो हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन उसमें से हर बार नया बाल उगता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हेयर फॉल कहते किसको है और हमको किस स्टेज पे उसकी चिकित्सा करनी है या उसका ध्यान रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हेयर लॉस है ही नहीं है और हम बिना वजह से परेशान हो रहे हैं। अब जैसे हमारे सिर पे लगभग 1.25 लाख या 1 लाख के लगभग बाल हैं, हेयर फॉलिकल्स माने जो जड़ या जो एक छेद है जिसमें से बाल उगता है, उसके अंदर एक जड़ होती है जिसमें से बाल लगातार उगता है। 3 फेजेस में बालों की उम्र होती है। थोड़ा सा समझेंगे तो आप इस समस्या से जल्द ही अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। 3 फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। एनाजन माने जब बाल लगातार उगता जा रहा है, आमतौर पे 1 महीने में एक बाल जो है लगभग 1 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर, या अगर बहुत अच्छी आपकी डाइट है तो मैक्सिमम 1 इंच, इससे ज़्यादा नहीं उग सकता। तो जड़ से जो बाल उग रहा है वो इतना ही उगेगा जितना उसमें नरिशमेंट है या वो जितनी हेल्दी है। एनाजन फेज में बाल लगातार उगता रहता है और ये लगभग 2 से 6 साल की होती है। इसके बाद एक ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन फेस में उस छेद में बाल तो रहता है लेकिन अब वो उगता नहीं है और धीरे धीरे अपने आप को जड़ से काट देता है। कुछ वीक्स तक ये स्टेज रहती है, 2 से 3 हफ्ते या कभी कभी 4 हफ्ते। तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे जड़ है उसमें नया बाल बनना शुरू हो जाता है और जो ऊपर लंबा बाल है वो स्टेबल होता है। अब वो उगेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। हमारे बाल की लेंथ उतनी होगी जितने हमारे DNA में रजिस्टर है। जैसे कि हमारी हाइट, वैसे ही हमारे बाल। हमने कितना लंबा होना है ये हमारे ऑलरेडी DNA में रहता है। तो हमारे बाल का कलर और हाइट, मतलब लेंथ क्या रहेगी, वो उतने ही रहेंगे। तो हमें ये देखना है स्वस्थ बाल हमारे किस लेंथ तक जाते हैं। तीसरा फेज़ क्या होता है कि जब वो बाल अब अपनी जगह छोड़ेगा और उसकी जगह से नया बाल उगेगा, यानी टेलोजन आपका शुरू हो गया। तो ट्रांजिशन के बाद ये वाला जो फेज़ है, अब इन तीनों फेजेस में हम किस में हैं, वो है हेयर लॉस। डेली अगर आपके लगभग मान लीजिए 1.25 लाख बाल हैं और उसमें से 50, 60 या 70 बाल अगर डेली गिर रहे हैं तो उसको बाल झड़ना नहीं कहते हैं, वो बाल नए उगेंगे और वो ट्रांजिशन फेज़ में है। तो ये एक स्वस्थ वर्धक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बाल अगर निकल हमें दिख गया अब हम टेंशन इतनी ले लें कि बाकी भी बाल झड़ जाएं, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लगभग 50, 60 या 100 बाल भी अगर रोज़ झड़ रहे हैं, उतने ही बाल रोज़ उगना भी शुरू होते हैं। ये एक साइकिल है
जिसको कि हमको समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग रहे हैं तो काम करना पड़ेगा कि अंदर से किस वजह से बाल गिर रहे हैं। तो आपको अच्छी डाइट, अपने हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाल हैं वो आपके स्वास्थ्य का आईना है। आपकी प्रोटीन सिंथेसिस कितना अच्छा है, उतने हेल्दी आपके बाल हैं। आपकी डाइट में ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे कि क्या नरिशमेंट आप ले रहे हैं, उसका सिंथेसिस कैसा हो रहा है, वही आपकी बाल का हेल्थ है, उसकी ग्रोथ का हेल्थ है, उसकी शाइन का हेल्थ है। तो बाल आपकी अंदर की हेल्थ दिखाते हैं और इसको इस तरह से देखना चाहिए। मैम, जैसे आपने कहा कि 50 से 100 बाल भी अगर झड़ रहे हैं तो वो ठीक है, वो बीमारी नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है। मैं जानना चाहूँगी क्या सिम्टम्स होंगे जब हमें पता चले कि जो हमारे ये बाल झड़ रहे हैं ये अब आम नहीं है, ये अब ज़्यादा हो रहा है, या फिर कब हम समझें कि ये जो हमारे बाल झड़ने लग गए हैं ये नॉर्मल नहीं है। जी हाँ, अगर आपके बाल इससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर ये एक समस्या है और अब आपको इसको एक बीमारी की तरह इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बाल अगर झड़ रहे हैं और दोबारा से उग नहीं रहे हैं तो वो स्टेटस आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ डिज़ीज़ कॉल्ड एलोपीसिया। एलोपीसिया में दो तीन तरह के होते हैं, एलोपीसिया एरियाटा होता है, एलोपीसिया टोटालिस होता है। माने कि बाल के झड़ने की प्रकृति कैसी है, जैसे कि बैलनेस है, उसमें आपके ट्रैक्शन बैलनेस है। मान लीजिए ट्रैक्शन बैलनेस का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने बाल को पीछे हमेशा बांध के रखते हैं, टाइट खींचते हैं, तो हेयर लाइन से बाल टूट टूट के आगे से बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपके लाइफस्टाइल में चेंज जरूरी है कि आप किस तरह से बालों को 24 घंटे के आप पीछे खींच के रख रहे हैं, वो एक ट्रैक्शन बैलनेस है, वो बाल झड़ना नहीं है, वो आपका एक गलत हेयर स्टाइल है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर पूरे सिर में थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे हैं, लगातार आप हर बार कंघी कर रहे हैं और बाल निकल रहे हैं, तो वो एक समस्या है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हम बताएंगे कि आपको किस तरह से उसको ठीक करना है। इसके अलावा जो एलोपेसिया एरियाटा है उसमें क्या होता है, पैचेस में, छोटे छोटे गोल गोल पैचेस में बाल पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, तो वो भी एक समस्या है जिसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट करना है। तो आज हम एलोपेसिया के बारे में, यानी कि बाल झड़ने के बारे में बात करें, और अंदरूनी तरह से या बाहर किस तरह से उस समस्या से आपको बाहर निकलना है उसके बारे में बताएंगे। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी कि सिम्टम्स के बारे में जैसे हमने बात की कि बाल झड़ने लग जाते हैं, कंघियों में निकलने लग जाते हैं, मैं जानना चाहूँगी कि बाल झड़ने का क्या कारण हो सकता है, इसके कॉजेज क्या है। बिल्कुल सही बात है कि क्या कारण है। देखिए, बाल अगर आपके अंदर जो आपकी डेफिशिएंसी है उसको शो कर रहे हैं, तो पहले तो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि आपके आहार में कुछ ना कुछ तो कमी है। बाल जो है वो 97-98% प्रोटीन के बने होते हैं, जिसको केराटिन करते हैं, और बाकी के ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जिंक होता है, कॉपर होता है। तो अगर आपके पास बैलेंस डाइट नहीं है तो क्या होगा, ये सिंथेसिस नहीं होगा और आपका बाल का केराटिनाइजेशन, बाल जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसको केराटिन बोलते हैं, तो उसका जो केराटिनाइजेशन का प्रोसेस है वो ठीक नहीं होता। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बाल झड़ने की जो समस्या है वो ज़्यादातर प्रोटीन डेफिशिएंसी और बैलेंस डाइट की डेफिशिएंसी होती है। मैं अभी आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी कि बालों के लिए आपको क्या खाना चाहिए। साथ साथ में अगर बहुत ज़्यादा आपने दवाइयाँ खाई हैं या बीमारी है, या लगातार कोम ना करना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जब हम आपके बालों में कोम करते हैं, कोम करने से क्या होता है कि आपकी बाल की जो जड़ें हैं, यदि आप सिर्फ दिन में 2 बार 100 strokes कोम करने लग जाएंगे तो आपके बाल की जो जड़ें हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने लग जाएगा, और जो तेल हमारे बालों को चाहिए वो हमारे अंदर ग्रंथियाँ ऑलरेडी होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सीबम सिक्रीट करते हैं। तो सिर्फ एक कोम के साथ पूरे बालों में अच्छी तरह से आप कोम करेंगे तो बाल की जड़ों में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इम्प्रूव होगा, और दबाने भर से अंदर ही तेल का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। और कई मामलों में तो सिर्फ दिन में 2 बार 100 strokes देकर बाल में कोम करने से ही हेयर लॉस में कमी आने लग जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जल्दीबाजी में बालों में कंघी नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ी छोटी सी बात है जिसको यदि आप फॉलो करें तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और ट्राई कीजिए, आप कोम करिए रेगुलर, लगातार 100 strokes मोटी वाली कोम से करेंगे, थोड़ी देर में आपको बाल के अंदर ऑयल दिखना शुरू हो जाएगा। वो हमारा नेचुरल ऑयल है जो हमारे बालों को नरिशमेंट देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, और सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली हेल्दी रूट बनेगी और हेल्दी बाल बनेगा।
मैम जैसे हमने कारण के बारे में जाना, तो मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को ये मिथ है, वो तो आप ही क्लियर करेंगी, अक्सर लोगों को रहता है कि क्या हमने बालों में ट्रीटमेंट लिया है इस वजह से झड़ रहा है, या फिर रेगुलर स्ट्रेटनिंग करने से, कर्ल करने से, क्या ये सब भी कारण हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा अपने बालों में केमिकल डाल रहे हैं, बाल ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं और उनकी क्वालिटी और ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। बालों की समस्या जो है आमतौर पे स्ट्रेस से संबंधित भी है। केमिकल हार्श यूज़ करना तो एक इसका मेजर रीज़न है। ऑयलिंग ना करना, मसाज ना करना, कोम ना करना, मतलब आप कितना हार्श उन बालों के ऊपर जा सकते हो, उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। अंदरूनी बाल ना उगना, वो है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल। लेकिन यदि आपके बाल ऊपर से ख़राब हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बालों के ऊपर का जो क्यूटिकल है वो डैमेज हो जाता है। माने बालों के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, क्यूटिकल कवरिंग होती है। यदि आपका क्यूटिकल हेल्दी है तो आपके बाल शाइनिंग करेंगे, लेकिन आपका क्यूटिकल अगर डैमेज है तो आपके बालों में शाइनिंग नहीं होंगी, वो एजेस रफ होंगे या स्प्लिट एंड्स होंगे। तो इसका मतलब बाहरी रूप से आपने बालों का ध्यान नहीं रखा है। मैम जैसे हम बात कर रहे, आपने बताया कि किस तरह जब हमारे बाल होते हैं, जब भी हम कोम करते हैं तो निकलते हैं, और अगर 100 से 50 बाल निकल रहे हैं तो वो आम बात है। इसलिए कई लोगों का ये भी रहता है क्वेश्चन, क्योंकि बाल पहले से पतले हो गए हैं, तो क्या ये भी उस चीज़ के अंदर आता है कि हाँ ये एलोपीसिया है, या फिर ये भी एक आम बात है? क्योंकि कई लोगों के पहले बाल बहुत ज़्यादा घने हुआ करते थे, तो ये यंगस्टर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अब उनकी यही शिकायत रहती है कि अब बाल बहुत पतले हो गए हैं तो वो विजिबल है, तो क्या ये बीमारी यहाँ पर हम बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपका हेयर लॉस का ही वजह है। कोमिंग ना करना, केमिकल्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल, धीरे धीरे बाल कम होते जाते हैं, और कम होते हैं तो हम लगता है कंघी करेंगे तो बाल टूट जाएंगे, तो हम कंघी करना ही कम कर देते हैं, तो वो हम गलत करते हैं। सबसे बेस्ट हेयर मसाज अगर मैं बोलूँगी तो वो है कोमिंग टेक्निक्स, जहाँ आप अपने बालों में बहुत अच्छे से कोम करके जो डेड हेयर हैं, जो आपके कैटोजन स्टेज के, अगर वो निकल जाते हैं, और उसके बाद अच्छे से मसाज और अच्छे ऑयल एप्लीकेशन और अच्छी डाइट आप लेंगे, तो उसी जड़ में से नया बाल ज़रूर निकलेगा। तो इम्पॉर्टेंट है बाल के रीग्रोथ पर काम करना, जो झड़ रहे हैं उस जगह से नया बाल है उसको आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। जी मैम, जैसे हम हमेशा बैक टू नेचर में नेचुरल रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह नेचुरल रेमेडीज से, नेचुरोपैथी से निजात पाया जा सकता है? हम नेचुरल ही बात करेंगे, नेचुरलपैथी से इसको कैसे ठीक किया जाए, तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑयल बताती हूँ, आप घर में ही बनाइए और उसको लगाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 100 ml लेना है कोकोनट ऑयल, और उसमें लगभग 20 ml डालना है नीम का तेल। अब इसमें 2 बड़े चम्मच भर के कलौंजी डाल दीजिए और मेथी दाना डाल दीजिए, यानी कि 1 बड़ा चम्मच कलौंजी का और 1 बड़ा चम्मच मेथी दाने का। इसको एक बॉटल में रखिए और 4 दिन के लिए इसको धूप में रख दीजिए। 4 दिन बाद ये ऑयल आपका तैयार हो गया। रेगुलरली वीकली आप इससे मसाज करें तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है बेटर होना शुरू हो जाएगी। ये तो एक है रेमेडी जो आप ऑयल मसाज के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कोमिंग टेक्निक। कोमिंग टेक्निक में आप जब भी कोमिंग करें तो बाल की जड़ों को स्टिमुलेट करते हुए हेयर लाइन, माने चारों तरफ हेयर लाइन के ऊपर अच्छे से कोम कीजिए, ताकि स्टिमुलेशन ऑफ हेयर बढ़े। आपको हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन होगी अगर आप सही कोमिंग कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि नेचुरल हेयर ग्रोथ जो है आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर ज़्यादा हेयर लॉस आपका रहता है तो उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्याज का रस निकाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें शहद मिक्स कर लीजिए। तो जहाँ जैसे आपकी हेयर लाइन में ज़्यादा चौड़ा हो रहा है या मांग जैसे बोलते हैं, वहाँ पर अगर आप इसकी मसाजेस करते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली फ़र्क महसूस होता है। और लगाने के लिए मैं आपको बेस्ट यही बोलूँगी कि अगर आपके बाल बहुत रफ़ हैं और आपको लगता है कि हेयर लॉस भी हो रहा है, तो सबसे बेस्ट है रात को आप मेथी दाने को भिगो दीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना 1/2 कप पानी में धोकर सोख कर लीजिए। मॉर्निंग में ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छी सी ब्लेंड करके और उसमें थोड़ी सी दही डाल दीजिए। दही डालने के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा मूंगफली का तेल डालें, मूंगफली का तेल आराम से मिल जाता है, इसका इस्तेमाल करें। अब इसको पूरे बालों में लगा दीजिए, मसाज जैसे पूरे हेयर में लगा कर इसको थोड़ी देर रैप करके छोड़ दीजिए। या आपकी बाल जो बाहर से ख़राब है उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव करेगा, बालों की रिग्रोथ भी बेटर करेगा, और साथ साथ में आपके बाल जो है और ज़्यादा शाइनिंग में आने लग जाएंगे। तो ये नेचुरोपैथी में इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो हैं हम
रिकमेंड करते हैं। जैसे ये चीज़ें हैं आपको रेगुलर सिर में लगाने में, माने हेयर पैक मैंने आपको बता दिया, मास्क बता दिया, रेगुलर ऑयल भी बता दिया क्या लगाना है, और अगर पैचेस हैं या ज़्यादा हेयर लॉस है तो वहाँ पर आपको एज अ रेमेडी क्या लगाना है, जो अनियन और शहद का जूस है जब आप उसको लगाएंगे तो उसको थोड़ी देर के बाद वॉश करना है। और कोशिश कीजिए अपने बालों में कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करें, और करते हैं तो साथ में हेयर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि आपके हेयर की जो जड़ें हैं, बालों की जड़ें हैं, वो कम से कम कमज़ोर ना हो। तो ये तो है जो हमने बालों में लगाने के लिए रेमेडीज़ बताई हैं। बाकी तो बहुत रेमेडीज़ हैं, लेकिन कुछ बेसिक है ना, एक ऑयल है, एक मास्क है, और एक आपका स्प्रे या बोलें कि लोशन है जो लगाने का। हम जैसे हमने बात की कि ऊपरी तरीके से किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक बीमारी को जड़ से तभी ख़त्म किया जा सकता है जब अंदरूनी काम किया जाए। तो मैं जानना चाहूँगी कि खान पान पर कैसे ध्यान दिया जाए। देखिए, मैं आपको हेयर डाइट के बारे में बड़ा स्पेसिफिक बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि हाँ ये खाइए वो खाइए, ठीक है, लेकिन एक जो हेयर डाइट आपको फॉलो करनी है उसमें मेन क्या है, 5 भीगे हुए बादाम आपको डेली चबा कर खाने हैं और छिल कर खाने हैं, छिलका नहीं खाना है। ये तो एक मस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, जो आपके डेफिशिएंसी है, जो कि मिनरल्स की या आपके ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी, उस पे बहुत काम करेगी। दूसरी चीज़, पालक, पालक और पनीर। आपने हफ्ते में कम से कम 2 बार पालक और पनीर की सब्जी खानी है, क्योंकि ये आपकी बालों की एक मेजर डाइट है। पालक पनीर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो 1 इंच का या 1 सेंटीमीटर 1 इंच का क्यूब डेली अगर आप खा सकते हैं पनीर का, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको लेना है स्प्राउट्स। जी हाँ, हफ्ते में 3 बार आपको स्प्राउट्स लेने हैं। आप चाहें तो मूंग की दाल के स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो चने के स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं के स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। आप गेहूं ले लीजिए साबुत और उसको अंकुरित कर लीजिए, और उन स्प्राउट्स को अगर हल्का सा सोटे करके खा सकें तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको 1 कप दूध रोज लेना है। तो जो बादाम है, पालक, पनीर, 1 कप दूध डेली, और स्प्राउट्स हफ्ते में 3 बार, ये तो एक मेजर पोर्शन है। आप डाइट में लीजिए तो आपको अंदर से हेल्दी हेयर मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दालों का सेवन लगातार कीजिए, और दालों का सेवन जो करना है वो दाल को ओवरनाइट सोक करके फिर सुबह बनाना है, आपने सीधा उठाकर नहीं बनाना, ताकि जो दाल की गर्मी है या उसके जो विजातीय द्रव्य हैं, या एक तरह से हम बोलें कि दाल को आपको ऐसे खाना है कि वो सुपाच्य हो और आपके पाचन तंत्र पर ज़्यादा बोझ ना डाले। ये तो हो गया जो डाइट में चेंजेस लाने हैं, ये आपका कंप्लीट हेयर फूड है। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है तब क्या करना है। तो तब क्या करना है, आपको थोड़ा सा पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर और खीरा, इन चारों को ग्राइंड कर लीजिए या बारीक बारीक काट लीजिए, और 1 बाउल इस सैलड का आपने लगभग 15 दिन तक रोज खाना है। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज प्रोटीन को करने में हेल्प करेंगे, और आपके बालों की ग्रोथ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ये है जो आपको डाइट में चेंजेस लाने हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि हम डाइट पर किस तरह ध्यान सकते हैं, कि आप कुछ खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी कि इसका प्रिकॉशंस क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई हेयर लॉस जैसी समस्या से बच सके। हेयर लॉस जैसी समस्या ना हो, इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो अपनी नींद का ध्यान रखिए। हर वक्त बालों को स्ट्रेस देने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका दिमाग में अगर तनाव रहता है तो आपके जो सिर की सारी मांसपेशियाँ हैं वो खिंच जाती हैं, गर्दन की मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, तो उसमें से खून का दौरा ठीक नहीं रहता, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सिर की तरफ अच्छा नहीं जाता। तो रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइजेज, योगासना ज़रूर करें, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो टूवर्ड्स हेड अच्छे से जाना चाहिए। नींद का प्रचुर मात्रा में ध्यान रखें कि आपकी नींद पूरी हो रही है, क्योंकि अगर आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रेस रहेंगी, खींची रहेंगी, तो क्या होगा कि सर्कुलेशन होल्ड होगा, और जैसे ही सर्कुलेशन नहीं होगा तो बालों की ग्रोथ के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक मैं आमतौर पर बताती हूँ, एक सिंपल सा पाउडर है, आप उसको बना लीजिए। रेशियो आपने लेना है जितना आप लेना चाहें, तो आपने लेना है 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सौंफ पाउडर और आधा चम्मच मिश्री। इसको ग्राइंड करके रखिए,
डेली रात को सोते टाइम आप एक चम्मच लेके रख लीजिए गर्म पानी के साथ, तो ये आपके सिस्टम को डिटॉक्स करेगा और दूसरा साथ में आपके ब्लड की टॉक्सिसिटी को कम करेगा, और डेफिनेटली इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, एब्जॉर्प्शन के ऊपर, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी बहुत है। तो जैसे जैसे इंटरनल हेल्थ बढ़ेगी तो आपके बालों की ग्रोथ भी डेफिनेटली बेटर होगी। ऑक्सीजनेशन का ध्यान रखिए, आपको कोशिश करना है कि हर वक्त बंद कमरे में ना बैठकर थोड़ी देर खुली हवा में हल्का व्यायाम करें, वॉक करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंबशन अच्छा नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, हेयर भी आपकी हेल्थ का ही एक आईना है, तो वो आपके बालों में दिखने लग रहा है। इसके अलावा केमिकल्स खास तौर पे अवॉइड कीजिए, जितना कम केमिकल्स आप अपने बालों को नेचुरली किसी भी तरह का रख सकते हैं, अगर कर्ली हैं तो उनको हेल्दी कर्ल्स में लेके चाहिए, और स्ट्रेट हैं तो प्लीज़ उसके लस्टर पे काम कीजिए, जैसे ऑयलिंग वगैरह करना या कर्ड का इस्तेमाल या मेथी का इस्तेमाल, आप देखेंगे धीरे धीरे नेचुरली ही आपके बालों में इस चीज़ का इफ़ेक्ट दिखने लग जाएगा। आप चाहें तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, थोड़े से एलोवेरा जेल में आप थोड़ा सा नीम का तेल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके ब्लेंड करके रख लीजिए, और अगर आपके बालों में डैंड्रफ जैसी समस्या आई है तो भी इससे उसमें फ़र्क पड़ने लग जाएगा। जड़ों में लगाइए, थोड़ी देर छोड़िए और फिर वॉश कर दीजिए। तो नेचुरल रेमेडीज़ भी बहुत सारी ऐसी हैं जिन पे आपको हेल्प मिल जाती है, आपको काम करने में ईजी हो जाता है। बहुत ऐसी ज़्यादा हम अगर जैसे ड्रायर्स हैं, हीट हैं, एक्सटर्नल हीट है, वो भी अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी वो हेयर रूट्स को भी डैमेज देती है और हेयर को भी डैमेज देती है। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। जी मैम, जैसे आम सवाल यही रहता है, जैसे हमने बात की खान पान पर और प्रिकॉशंस के बारे में, तो कई लोगों का ये भी रहता है कि अगर हम हमारी मतलब नरिशमेंट भी हमें लगता है कि प्रॉपर मिल रहा है, या फिर हम कुछ इतना प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे हैं और अपने आप जड़ों से नीचे आकर के जो है जो लेंथ होती है बालों की वहाँ पर बाल मिल रहे हैं, और जब हाथ डालें तब बाल निकलते हैं, ऑयलिंग करें तब भी बाल निकलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? देखिए मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताती हूँ। सबसे पहले हमने पहचानना है हम बालों की किस फेज पे काम करें। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हो सकता है कोई बीमारी है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, या आपने लंबे समय तक कोई दवाई खाई है, या कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है कि बाल गुच्छे निकलने लग जाते हैं। तो काम है नरिशमेंट पे करने का, डाइट पे करने का, हेड मसाज पे करने का, जो ऑयल्स हैं उनके साथ मसाज कीजिए, और आप देखेंगे जो एक बाल अगर आपने आज से स्टिमुलेट करना शुरू किया तो जो उसमें से रीग्रोथ है विद इन 15 डेज आपको छोटे छोटे बेबी हेयर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, अगर आप ये पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब आपके लंबे बाल कट निकल रहे हैं तो जो जड़ से बाल निकल रहा है वो एक महीने में सिर्फ 1 सेंटीमीटर उगेगा, यानी कि 15 दिन में 0.5 सेंटीमीटर। तो आपने स्टेप बाय स्टेप अगर पूरा फॉलो किया डाइट में, नरिशिंग में और जो बाकी मैंने उपाय बताए, तो 15 दिन में आप देखेंगे कि बाल के हर एरिया में छोटे 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 बेबी हेयर्स आने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ी पेशेंस के साथ अगर आप फॉलो अप करते हैं डाइट में और एक्सटर्नल एप्लीकेशन में और डेफिनेटली अपनी नींद और स्ट्रेस लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आप वॉच करिए कि आपकी रीग्रोथ शुरू हो गई है, क्योंकि अगर कैटाजन फेज ख़त्म हो गया है तो दोबारा रीग्रोथ के पूरे चांसेस हैं, एज लॉन्ग एज आपकी उस जो फॉलिकल है उसमें प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है, उसको हेयर कॉम्ब की मसाज मिल रही है, उसको ऑयल मिल रहा है, और अंदर से भरपूर डाइट, नरिशमेंट और रिलैक्सेशन और मेडिटेशन चल रही है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि हमें खान पान के साथ साथ, नेचुरल रेमेडीज़ के साथ साथ हमें अपनी स्ट्रेस पर भी ध्यान देना है, जिसके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन इसमें कितना रोल प्ले करता है? मेडिटेशन से क्या होता है कि जो हमारे को ये इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है उसकी फंक्शनिंग बेटर होने लग जाती है। उसकी फंक्शनिंग बेटर होने से क्या होता है कि जो भी आपके अंदर के सिस्टम्स हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, ग्रोथ है, एलिमिनेशन है, जितने हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस काम कर रहे हैं, सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, आप मेडिटेशन करके जैसे ही यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग डेफिनेटली बेटर होने लग जाती है। तो मेडिटेशन तो नो डाउट एक कोर है कि आपको करना ही है, ताकि जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसका आपको बहुत प्रभावशाली तरीके से रिजल्ट देखने को मिले।
बिल्कुल मैम, आपने कार्यक्रम में जुड़े और आपने हमें हेयर लॉस जैसी समस्या जो काफ़ी आम है आजकल उसके बारे में जानकारी दी कि किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि जो 150 मिलियन लोग यानी कि हर 10 में से 9 व्यक्ति जो हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहा है वो किस तरह अपनी इस बीमारी को, अपनी समस्या को कहीं ठीक कर सकता है। नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से ऑयल्स आप घर में ही बना सकते हैं, जो हेयर मास्क हैं वो घर में बना सकते हैं, साथ ही डाइट जिस पर बेहद ध्यान देना है, और स्ट्रेस जो कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही दूर होगा। उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम में जानकारी मिली होगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, बने रहिए बैक टू नेचर के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।